अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नूर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है, फिर से स्वागत है आप सभी का। और कैसे हो आप सब, कैसे दिन चल रहे हैं आपके, और क्या हो रहा है अभी, कैसी सर्दी पड़ रही है आपके, कुछ हमें भी बताएं कमेंट करके। और आज हम बात करते हैं शिहाब चतुर के बारे में। शिहाब भाई, उसी आप यहाँ किड्स स्कूल में रुके हुए हैं अभी तक, जो काफी यूट्यूबर बता रहे कि लाहौर पहुंच गए, ईरान पहुंच गए, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, अभी कोई नहीं पहुंचा है, ना सिया भाई की टीम पहुंचे है, ना और पहुंचे। सिया भाई उसी आप या किड्स स्कूल में रुके हुए हैं। लगभग सिया भाई को 10 से 7 या 10 दिन लग सकते हैं, सिया भाई को और भी, क्योंकि सिया भाई के अलावा किसी को ही पता नहीं है कि कब रवाना होना है, या वीजा मिला, या वीजा में कितना और प्रोसेस टाइम लगेगा, यह किसी को मालूम नहीं है। जो भी ये यूट्यूबर बता रहे हैं कि सिया भाई इस दिन जाएंगे, इस दिन जाएंगे, तो वो अपने व्यूअर्स के लिए बता रहे हैं ऐसे ही, जैसे व्यूअर्स को पकड़ रखे हैं ऐसे। हाँ, आप हमारे वीडियो देखो बस, ऐसे बार बार वीडियो, सुबह शाम दोपहर जो भी है बार बार अपलोड करते हैं। मैं आपको बता दूं, शिहाब चतुर उसी आप या किड्स स्कूल में रुके हुए हैं, शिहाब भाई को और भी लगभग टाइम लगेगा, 7 से 10 या 15 दिन और लगेंगे। सफर शुरू होते ही मैं आपको बता दूंगा, वीजा अभी नहीं मिला है, वीजा मिलते ही मैं आपको बता दूंगा, और भी टाइम लगेगा। सही इमाम साहब ने बताया था 99%, 99% का मतलब है कि दिसंबर या फर्स्ट जनवरी, इसका मतलब है 10 दिन और लगेंगे अभी। और जो भी फेक न्यूज़ देख रहे हैं उनके बारे में मैं इतना बता दूं, उनके वीडियो ना देखें आप, और नूर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।